बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के हम को कुटिया ब्रज माही बनानी, हम को कुटिया ब्रज माही बनानी, हम को कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए, वृंदावन में सुनरक गांव में, काली देह पर अद्वैत वट में, दान गली में पान गली में, गुमान गली में वो कुंज गली में, शिवा कुंज में प्रेम गली में, श्रृंगार वट में चीर घाट में, केशी घाट में जीवन जी में, वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे।
सोमेश्वर महादेव श्री बांके बिहारी स्नेह बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव जी श्री राधा वल्लभ जी श्री युगल किशोर जी श्री राधा रमण जी अष्ट सखी जी अटल वन में बिहार वन में गोचारण वन में गोपाल वन में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा 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 निज वन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा कुंड पे बनखंडी महादेव श्री निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में बारह घाट पे सूर्य घाट पे युगल घाट पे बिहार घाट पे अंधेर घाट पे श्रृंगार घाट पे श्री भ्रमर घाट पे श्री पानी घाट पे चामुंडा देवी केली कदंब में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा श्री राधे श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा हरि बोल भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा 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 रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा की लता पता भी बोले श्री राधा राधा
ठीक को सुना सुना जाए। Thank you.
शर्त क्या है? तेरा जन्म नहीं हुआ, पहले ही शर्त लगाने लगा। शर्त कौन सा है? बोला पिताश्री शर्त ये है, मैं विवाह नहीं करूंगा। एक दूसरा, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं जंगलों की ओर प्रस्थान करूंगा। इतना सुनते ही तो बेचारे वेदव्यास बोले, बेटा रुक जा, इस विषय में तो मैं तेरी माँ को ही पूछूंगा, अपनी धर्मपत्नी को पूछा। देवी, तेरा बेटा कहता है कि वो सन्यासी बनेगा, घर में नहीं रहेगा, जंगलों में चला जाएगा। बोल, तुम बोलो तो उसको बुलाऊं बाहर। इसीलिए कहते हैं माँ माँ होती है महाराज। कुपुत्रो जाए तह क्वचित भी कुमाता न भवती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, माँ माँ है। उस नारी ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया। बोला भगवान सुनिए, अभी तो 5 साल ही रखा है मैंने, इसको मैं 15 साल भी रखूंगी, लेकिन उसको मैं सन्यासी बनते हुए नहीं देखूंगी। माँ का सोच अलग है, माँ की मातृत्व अलग है, माँ का भाव अलग है, लेकिन संत परंपरा अलग विषय है। वहां की बात देखिए, मातृत्व तो कैसा। माँ बोली तुम तो क्या, आप 5 साल में ही डर गए, 5 साल में ही भयभीत हो गए, लेकिन बच्चा मेरा है, मैं माँ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो 15 साल भी रखूंगी, 16 साल भी रखूंगी, लेकिन बच्चे को गया हुआ देख नहीं सकती। बताऊँ आपको, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, पुनः कहा बेटा अब तो बाहर आ जाओ। बोला नहीं आ सकता,
15 साल बीत गए, 16वां साल लगा, अब व्यास से रहा नहीं गया। वेद व्यास बोले, बेटा तुम आते हो कि नहीं? अंदर से आवाज वही आ गई, बोला हाँ महाराज, आने के लिए तो तैयार हूँ लेकिन वचन दे दो। वेद व्यास बोले, मैं वचन देता हूँ, तुम आओ तो सही एक बार, तुम्हें सन्यासी बना दिया जाएगा। बोला सत्य वचन? बोला हाँ। तो 16 साल बाद मेरे भाई बहन, 16 साल बाद सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए, लेकिन माँ की ओर नहीं देखा, पिता की ओर नहीं देखा, दिगंबर है वो, शरीर में कपड़े नहीं है, जैसे आए और वैसे ही चल पड़े। कौन किसका है, हम तो अकेले हैं, और पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। वेद व्यास जी को लगा कि ये बच्चा जा कहाँ रहा है, वो पीछे हो लिए, बेटे रुको, बेटे रुको, बेटे रुको, बेटे रुको, जंगलों में जा रहे थे। मैं अभी स्तुति कर रहा था संस्कृत में, जो श्लोक है, यम प्रह व्रजंत मनुपे तमपे तकृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुआव तरवह अभिनेदु मित्रो तरवो अभिनेदु तरवह अभिनेदु। तरव कहते हैं पेड़ को संस्कृत में, ये जो वृक्ष हैं उनको तरवह कहते हैं, पेड़ को। तरवह अभिनेदु, जड़ भी चेतन हो गया सुखदेव जी को देख करके। तरवो अभिनेदु, वो बोलने लगे, क्या बोलते हैं? बोला बाबा किस लिए पीछे आ रहे हो? स्तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तो उसमें, वो तो विश्व का है, विश्व कल्याण के लिए आया हुआ है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, बहने दो। व्यास जी से रहा नहीं गया, दूर जाकर के सुखदेव जी महाराज ऐसे आसन लगा लिए। पिता भी कुछ साल तो बैठे लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो वहां से चल पड़े महाराज और सीधा गए और अपने शिष्यों को, छोटे छोटे बच्चों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। और उन बच्चों ने जाकर के सुखदेव जी के सामने भागवत के मंत्र गाए हैं, याद रखिएगा। सुखदेव जी की समाधि खुल गई, यही विशेषता है। आसाम जहां पर आप बैठे हो, ये धरती ही धन्य है, ये शंकरदेव और माधवदेव की भूमि है। ये शंकरदेव की गाथा मैंने पढ़ी थी, माधवदेव की गाथा कुछ पढ़ी, अखमिया आसामीज उसमें होने के कारण मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, मुझे हिंदी में मिला था डिब्रूगढ़ में, बहुत लोगों ने रूपांतर किया है, तो मैं उसको पढ़ता गया। वाह 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 वाह, क्या कृष्ण के उपासक, जिन्होंने श्री वृंदावन में जितनी मेहनत करी है उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु की तरह, शंकरदेव और माधवदेव, शंकर गुरु, बड़ा आनंद का विषय रहता है महाराज, कृष्ण के उपासक। इसलिए आप विचार करिए, नाम घरों में मूर्ति यानी विग्रह ना होकर के श्रीमद् भागवत को ही रखना, ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी उपलब्धि है, ये कृष्ण भक्ति की भूमि है आसाम। कृष्ण भक्ति की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है, भागवत धर्म को आसाम ने बहुत आगे बढ़ाया शंकर देव ने। अखंड पाठ होता है यहाँ पर, मैं बहुत जगह गया हूँ, बरपेटा का जो बड़ा स्थान है वहाँ भी है, जोरहाट के अंदर में भी मैं गया हूँ, तेजपुर के अंदर में भी मैं गया, जो बड़े बड़े जो स्थान है यहाँ पे आसामी समाज के नाम घर, वहाँ पे मैं, मेरा जाना जाने का अवसर मिला। श्रीमद् भागवत को बहुत नजदीक से देखा है उन्होंने। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्णे वही, गौ की उपासना उनकी, परिक्रमा का महत्व उनकी, ब्रज की जो महिमा गाया है शंकर देव ने, ओहो बड़ा अद्भुत गाया महाराज। इसलिए समाधि को तोड़ने की क्षमता अगर किसी में रही तो श्रीमद् भागवत। छोटे छोटे बच्चे गए और सुखदेव जी के सामने जहाँ बैठे हुए थे उन्होंने पहला मंत्र गा लिया, यानी पहला मंत्र पढ़ लिया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम रेजिघाम सया प्यायाध्यसाध्वी रेले वेगतिं धात्रिचुतां ततोन्यम संबादयालुं शरणं ब्रजे। बकासुर की बहन बकी पूतना, उसको भी भगवान ने कृपा करी, भगवान ठाकुर ने दया करी, उस लोक को, लोक की प्राप्ति हो गई। तो आप और हम लोग विचार करिए कितना सुंदर भाव है इसमें।
दूसरा मंत्र भी था श्री वृंदावन के लिए, वर्रहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम रंध्रान वेणु रदर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज कहते खड़े हो गए थे महाराज, और सीधा अपने पिताजी के पास जाकर के भागवत धर्म का ज्ञान लिया है उन्होंने भी। ये बहुत संक्षिप्त रूपे इसीलिए जा रहा हूँ, समय कम है और आज बहुत सारे वो मुझे ये बताइए ना क्या टाइम लिया हुआ है, क्या क्या टाइम है बात है कितना छे। देखिए आप सभी से ये मैं निवेदन करूं कि मैं समय पे छोड़ूंगा एकदम, और ऐसे भी आप सबको तो जिस तरह से आप बैठे हैं ऐसे लग रहा है अभी अभी बैठे हुए, मैं समय में छोड़ूंगा, समय में ही शुरू करूंगा। आज आज है केवल, आज का आज लेट हो गया था क्योंकि सुबह प्रारंभ करने में भी परिक्रमा और आप लोग बहुत चल दिए थे, गोपाष्टमी का पर्व होने के कारण किसी ने व्रत भी कर रखा होगा, पूजन वगैरह भी है, गाय की पूजन वगैरह का विधान रहता है, तब भी आप सब ने इतना जो समय दिया है अपने कृष्ण गौशाला समिति को, आप सब की समिति है, आप सब का कर्तव्य है, इसमें कोई किसी को मैं धन्यवाद नहीं देना चाहूँगा, आपका काम है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ में हैं, अलग अलग हो चुके हैं, आप याद रखिएगा, ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो, ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो, बदला जवाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया, जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया, तुझ में राम मुझ में राम, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप जरा ध्यान दीजिएगा महाराज, गोपाष्टमी का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं, बड़ा ही दिव्य पर्व है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, रहने को मकान नहीं। मित्रों, वो बच्चा विश्व के कोई भी कोने में जाकर के एक चीज जरूर कह सकता है, मेरे देश में राम और कृष्ण आए थे, ये सौभाग्य और देशवासियों को नहीं है। वो कृष्ण भी आज के दिन के लिए तरसते हैं महाराज, आज ही से प्रारंभ हुआ, गोपाल नाम इसीलिए पड़ा आज के दिन के कारण, ये गोपाष्टमी, वो गोपाष्टमी से ही गोपाल नाम पड़ता है। आज ही के दिन मेरे गोविंद गाय चरण के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लेते हैं, आज का ये बड़ा ही पावन दिन है आज गोपाष्टमी, ऐसे सुंदर अवसर पर आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा वो भी गौशाला के अंदर में सुन रहे हो, इसलिए आप और हमारा फर्ज है, आपके पास शरीर में ताकत है तो शरीर से सहयोग कर लीजिए, धन है तो धन से सहयोग कर लीजिए, मन है तो मन से भाव से सहयोग कर लीजिए, हर स्थिति में राष्ट्रीयता अखंडता एकता का परिचय तब होगा, इसलिए ये विशाल जो भी जो ऐसा आयोजन है, इस आयोजन में आप सबको सबकी सहभागिता, प्रत्यक्ष दर्शी बनने का सौभाग्य, ये छोटे बच्चे भी जाके बोलेंगे जरूर कि देखिए देखिए 120 साल हो गए गौशाला के, और उसका जो आयोजन हुआ है उसके बीच में हम भी प्रत्यक्ष दर्शी बने, उस दर्शन मतलब उस आयोजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ, गौशाला के कृष्ण गौशाला के आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर हमको मिला ऐसा। इसलिए मैं मेरी ब्याज गद्दी से ये जरूर निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ भी आवाज़ पहुँचे, जो आ नहीं पाए किसी कारणवश धुबड़ी वगैरह, विशेष करके धुबड़ी से, मैं तो धुबड़ी को गौरीपुर में तो इस तरह आयोजन हुआ नहीं है मेरा, मैं पहले बार ही आया हूँ गौरीपुर, पहले मैंने कह दिया एक ही होते हुए भी, लेकिन धुबड़ी में तो हुआ, और धुबड़ी और गौरीपुर का दूरी कुछ नहीं है, तो धुबड़ी का तो सबसे पहला अधिकार वो रहेगा कि पूरा धुबड़ी यहाँ होना चाहिए, वो याद रखिएगा, क्योंकि धुबड़ी में ही इतने बड़े जो आयोजन हुए हैं वो धुबड़ी में हुए हैं। आप सब का जो पूर्ण सहयोग है उसी का फल स्वरूप है कि ये जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अब आप विचार करके देखें, वहाँ जाएं और भागवत जी की कथा भगवान सुग्रीव जी ने सुनी, संक्षिप्त रूपेण मैं इस विषय को आगे ले जा रहा हूँ,
जो समय रहेगा और जितना भी जो प्रसंग रहेगा मैं कल आप सबके बीच में रख देता हूँ। और सबसे ज्यादा इस प्रकरण का जो महत्व है आप याद रख लीजिएगा, इन सारे प्रकरणों के बाद चलते हैं हम, कृष्ण को प्रणाम किया, कृष्ण को की कथा करने वाले सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने के बाद अब हम लोग चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य बड़ा दिव्य स्थल है, नैमिषारण्य गए होंगे आप लोगों में से कोई, बहुत सुंदर स्थान है। आप अगर इधर से लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ से भी रास्ता है, मुरादाबाद जाते हैं तो मुरादाबाद से भी नज़दीक पड़ेगा। अगर नैमिषारण्य एक बड़ा ही दिव्य स्थल है, भारत में ऐसे ऐसे तीर्थ हैं महाराज, ऐसे ऐसे दिव्य तीर्थ। श्रीकृष्ण को नमस्कार करने के बाद मैं यहाँ बैठे बैठे नैमिषारण्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। सौनकाधिक ऋषियों का सहर्ष वार्षिक दीर्घ चल रहा है, 88,000 ऋषि मुहूर्ति बैठे हुए हैं, गोवदी का किनारा है, नैमिषारण्य है, बड़ी दिव्य भूमि है, सुंदर जंगल है, वृक्षों की छाया है, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, गोमती में स्नान करते हैं, उसी के बिल्कुल पास में एक पर्णकुटी है, वहाँ से निकल करके सुत जी महाराज पधारते हैं महाराज, बहुत सुंदर भाव। जैसे ही सुत जी महाराज आए सब 88,000 खड़े हो गए। आयु मात्र 20 वर्ष की है, सुत जी महाराज केवल 20 साल के थे। सुत जी महाराज ने कहा कि आप लोग इतना सम्मान क्यों करते हो? सौनकाधिक ने प्रश्न उत्तर दिया है, महाराज कोई धन में वृद्ध है यानी धनवान है, कोई बल में वृद्ध है यानी बलवान है, कोई आयु में वृद्ध है कि ज्यादा आयु को प्राप्त किया है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है? बोला जिसके पास ज्ञान होता है। आप ज्ञानी है भगवान, इसलिए उस ज्ञान को प्रणाम करने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा है उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान है महाराज। इसलिए भगवान आप ऐसी कथा सुनाओ, मैं वो कथा सुनना चाहता हूँ, भावना के साथ सुनिएगा मेरे भाई बहन, जो संसार के भय को मिटाने वाला है। सौनकाधिक ऋषि सुति जी से कहते हैं, महाराज आप कथा सुनाइए, भय को मिटाने वाला हो, भक्ति के प्रभाव को बढ़ाने वाला हो, श्री कृष्ण परमात्मा को प्रसन्न करने वाला हो, ऐसी कथा सुना लीजिए, सुना दीजिए। कथा हमने बहुत सुनी, लेकिन कथा न होकर के कथा का सार सुनना चाहते हैं वो हमें कृष्ण की कथा सुना लीजिए। हम लोग कृष्ण की कथा सुनने के लिए बहुत तत्पर हैं। उस भाव को सुन करके बहुत सुंदर सुत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और उन्होंने जो कथा प्रारंभ करी है वो भगवान कृष्ण की ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी की कथा है महाराज। भावना से सुनिएगा, तुलसी लिखते हैं मानस में, एक चौपाई का आश्रय लीजिए। तुलसी कहते हैं कि आपकी भावना को देख करके कथा करने की इच्छा प्रकट हो गई, बहुत आनंद आएगा। ये भावना ये बहती है, आप कैसे बैठे हैं इससे पता चलता है, आप किस तरह सुन रहे हैं उससे ही ब्याज गद्दी से अपने आप स्वतः वाणी निकलती है। आपकी पवित्रतम भावना को देखने के बाद ही स्वतः अंदर से भाव निकले, समझ लेना चाहिए। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी मानस में, रे नीरे माल मन जन सो मोही पा, मन जन सो मोही पा।
छिट चल छिद्र नभावा मोहे कपट चल छिद्र नभावा निर्मल मन जन सोम ही पावा मोहे कपट छल चित्र न भावा। तुलसी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं यहाँ। सुति जी महाराज कहते हैं सौनकादि को आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, आपके प्रश्न से ही मेरा मन गदगद हो गया है, इसलिए चलो मैं आपको कथा सुना देता हूँ। कथा के लिए स्थान देखो, पहला कथा के लिए स्थान, आपने बहुत सुंदर स्थान लिया, गौशाला है, थोड़ी बहुत तकलीफ आपको हो सकती है। देखो मैं हृदय से कहूँ, मच्छर हो सकते हैं, अब उसकी व्यवस्था हो जाएगी, कोई छिड़काव वगैरह कर दीजिएगा, हो सकता है पोके वगैरह छोटे मोटे आ सकते हैं या जो भी है, एक तो ये। दूसरा, थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ी दूर तो नहीं है, आप टेंशन ना लीजिएगा। युवाओं के लिए मैं विशेष करके कहूँगा, एक तरह से साधु का आदेश समझ लीजिएगा कि पूरा जो भी समय, यहाँ थोड़ा बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो ये विशेष फंक्शन चलेंगे, मैं पूरी कथा सुनाने की कोशिश करूँगा। 6 बजे के बाद अंधकार होता है, अंधेरा, सारी व्यवस्था आप करवा दीजिएगा, जो भी बाहर रोड में जाना है, रोड में 4-5 जगह, 2 जगह 4 जगह सब होकर के बड़े बड़े आयोजनों में सब आजकल होता है, गाड़ी की व्यवस्था हो, कोई दूसरी छोटी कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन आप चूकिएगा मत, मेरा कहने का भाव ये है, सब व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, इधर में अभी कथा के बाद में और अच्छी तरह बातचीत हुई भी नहीं है कि क्या टाइम रखा हुआ है, कैसा क्या, जो भी प्रोग्राम के विषय में रहेगा मैं आप सबको उसी हिसाब से, 2 बजे आप अगर हो सके तो 2 बजे का रखिए, बड़ा आनंद होगा, मैं तैयार हूँ आपके लिए। अब आपके लिए 7 दिन आया हूँ, आप बोलो 12 बजे सुना, तो मैं 12 बजे ही सुना दूंगा, लेकिन आपको भी देखना है, आप भी अपनी व्यवस्था को देखते हुए दूर से आप लोग उपस्थित हो सको, याद रखिएगा 2 बजे तो यहाँ चालू होना ही है, तो 2:30 बजे शुरू करना है या 2 बजे ही शुरू करना है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। आगे देखिए, तुलसी कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले कथा के लिए स्थान, श्रीमद् भागवत के लिए स्थान का महत्व, ये गौशाला कृष्ण गौशाला, और वो भी 100 साल पुराना, इसीलिए इससे दिव्य स्थान और क्या होगा, इसलिए गौशाला में आजकल बहुत कथाएं होने लगी। मैं श्री डूंगरगढ़ में भी गया हूँ, बीकानेर में भी मैं गौशाला में कथा करने के लिए गया, खूब सुंदर व्यवस्था आप सब करते हैं, इसीलिए कथा के लिए स्थान ये उपयुक्त स्थान है। उसके ऊपर में भी आनंद का विषय है, भागवत का ज्ञान, भागवत का गान, हम कोई दूसरी चीज़ों की चर्चा न करें। हाँ, किसी ने किसी से ये पूछा धनमाल कितना है, किसी ने किसी से ये पूछा परिवार कितना है, मगर किसी ने किसी से ये नहीं पूछा प्रभु से कितना प्यार है, तेरा ईश्वर से कितना प्रेम, ये कोई नहीं पूछा, इसलिए हम ये दुनियादारी की बात को छोड़ दें, भागवत का गान, भागवत का ही ज्ञान, भागवत पर भी ध्यान, मतलब यहाँ जब आए हैं हम, इतनी यात्रा आपके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, तीर्थ यात्रा है आपकी, धुबड़ी से आप निकलो तो कहाँ बोला तीर्थ करने के लिए निकले हैं, श्रीमद् चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज और जल भरे दर्शन करें एक पंथ दो काज, ये तो आनंद का विषय रहेगा। आप तो निकले, देखिए गाय के दर्शन हो गए, गौशाला के दर्शन हुए, इतनी बड़ी कथा है, तो संत के दर्शन के साथ साथ में भगवत चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए ये यात्रा है, लोग यात्रा करने बाहर जाते हैं, आपके तो स्वयं तीर्थ चल करके आए हैं, इसलिए जब तीर्थ ही आ गया है सामने तो निमज्जन करना चाहिए, भागवत पर ध्यान और भागवत पर ही कान, ऐसे 5 चीज़ें यहाँ पे बताए हैं। सुति जी महाराज वर्णन करते हैं, देवर्षि नारद एक दिन बड़ी जल्दी जल्दी से वहाँ निकलते हुए आ रहे थे, तो बद्रिकाश धाम में विराजमान सनत कुमार चारों भाई ने नारद जी को देखा, जैसे ही भागते हुए नारद जी आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखकर के संत मुस्कुराए और संत हंसते हुए बोले, महाराज सुनिए रुकिए क्षणम तिष्ठ, एक बार पहला वाक्य है, कथम ब्रह्मंदिर मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, मुझे ये बहुत सुंदर वाक्य लगता है, कुतश्चिंतातुरो भवान, आप इतने चिंतित क्यों हो, ध्यान दीजिएगा, आप इतने मुरझाए हुए क्यों हो, इतनी अशांति में क्यों हो, वाह वाह वाह,
उद्विग्नता क्यों भरी हुई है आज? मैं समाज में यानी सबके लिए कह, अशांति में डूबे हुए हैं लोग, बहुत अशांति में जी रहे हैं, जिसको भी देखो भागा दौड़ में लगा हुआ है, बहुत भाग रहा है, अशांति उद्विग्नता भरी हुई है, किसी के पास भी बोलने का वक्त नहीं है, हंसने का समय नहीं है उसको। संत हंसते हुए बोले, कथम ब्रह्मन दिन मुखः, हरि बोल, कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते हे कुत्रः कुतस्तावमनं तव। बोले महाराज बोलू, कुतश्चिंता तुरो भवान, पहला वाक्य ये है महाराज, कुतश्चिंता तुरो भवान, आप इतने चिंतित क्यों हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, क्यों भाग रहे हो, इतनी हड़बड़ी किस लिए? कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते हे कुत्रः कुतश्चागमनं तव। कहां से आ रहे हैं और किधर को जा रहे हैं, लेकिन भागते ही जा रहे हैं। आहा, नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई, महाराज मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या बताऊं महाराज, मैं शांति के लिए आया हुआ था। अब बहुत लंबी कथा है, ये नहीं बोल पाऊंगा, इतना ही बोल देता हूं आपको, महाराज मैं तो शांति के लिए यहाँ आ गया था, पृथ्वी में शांति है महाराज, मैं जहां से आ रहा हूं मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। बोला क्या हुआ? बोला एक तरुणी देवी, आप बताइए महाराज, उसके दो पुत्र ऐसे हैं, इतने ज्ञान और वैराग्य, हिल नहीं सकते, बोलने की बात छोड़ दीजिए, वो हिलते भी नहीं है, पत्थर की तरह पड़े हुए हैं महाराज, पत्थर की तरह। उस माँ पर क्या गुजरता होगा, माँ तो तरुणी है, युवान है, लेकिन बच्चे इतने बूढ़े हो गए। बोला महाराज मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भोबो साधु क्षणम तिष्ठा, देखिएगा, भोबो साधु क्षणम तिष्ठा, एक पल के लिए रुकिए, क्षणम तिष्ठा, याद रख लीजिएगा, संत का क्षण अन्न क्षेत्र का जो कण होता है, इसलिए झूठा मत गिरना महाराज, प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों को बार बार कहता हूं मैं, घर में भी भोजन करो, जितना चाहिए उतना लिया करो, लोग बहुत ज्यादा लेते हैं और नाले में गिरते हैं, वो श्राप लगता है। अभी से एक नई शुरुआत कर लीजिए, बच्चों को ये शिक्षा जरूर दे दीजिएगा, लोग बहुत अनाज को नाले में गिर देते हैं, इसीलिए अन्न क्षेत्र का कर्ण यानी रसोई घर का, समझ लीजिए अपने रसोई घर अन्नपूर्ण भंडार है, वो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, वहां का एक कर्ण और संत का क्षण, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अन्न क्षेत्र का जो कर्ण होता है और संत का क्षण बड़ा दुर्लभ है। क्षणम तिष्ठा, भक्ति महारानी कह रही है महाराज क्षणम तिष्ठा। नारद जी खड़े हो गए, बोले बोला आपका परिचय? बोला मैं भक्ति हूं। बोला ओ भक्ति महारानी, आपको प्रणाम करूं, लेकिन ये कौन है? बोला ये मेरे पुत्र है महाराज, ये पुत्र, इसीलिए तो दुखी हूं। अगर माँ बाप बूढ़े हो, बच्चे जवान हो तो ठीक है, समझ में आए, लेकिन माँ तो जवान है और बच्चे इतने बूढ़े हो गए, बोलते नहीं है, पत्थर की तरह देह हो लिया है, तो जो भी करते हो महाराज आप कर लीजिए। मैंने महाराज, नारद जी कहते हैं सनत कुमारों को, कि मुझे जो भी ज्ञान था मैंने सारा कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जो पढ़ सकता था सब पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए दुखी होकर के मैं आया आप लोगों को उससे मिल करके, मन को बड़ी संतुष्टि हो गई, अब कोई ना कोई उपाय होगा। संत मुस्कुराते हुए बोले क्या क्या सुना लिए? बोला जो भी सुनाया, जो जानता था सुना लिया। बोला कुछ ज्ञान हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। तब संत हंसते हुए बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करना, उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह, हम कथा करने के लिए आएंगे, आप व्यवस्था कर लीजिए। नारद जी बड़े गदगद हो गए और नारद जी महाराज ने वहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था के लिए तैयारी करी, जगह खोजने के लिए निकले और सीधा हरिद्वार पहुँचे। वहाँ आनंदवन क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर है, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट बड़ा दिव्य स्थल आनंदवन क्षेत्र है, उसको देख करके लगा ये जगह ठीक है,
देवताओं को निमंत्रण दिया है श्रीमद् भागवत की कथा में, सबको निमंत्रण देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, स्वागत भी आए और नास्तिक भी आए तो आस्तिक भी आए, आओ तो सही, कम से कम ये आयोजन ही ऐसा होता है। सबको स्वीकार किया है शंकर ने, तुम पावन हो या अपावन हो शंकर नहीं कहते, गंगा नहीं कहती तुम पंडित हो या तू अधर्मी हो गंगा नहीं कहती, गंगा जब नहीं कहेगी तो गंगाधर भला क्या कहेगा। इसलिए इस ऐसे आयोजन में सब आए उपस्थित हो और प्रेम से कथा का श्रवण करें, कथा को अपने जीवन में उतारें, उस समय देखिए कितना फर्क होता है जीवन में। बाबा कहते हैं यहाँ पे मानस में तुलसी जी ने वर्णन किया है, और इधर की बात बताऊं आपको, ज्ञान और भक्ति महारानी के लिए आयोजन हुआ, समय निर्धारित हुआ, और जैसे ही कथा करने के लिए संत पधारे महाराज, वो नारद जी मेन जजमान बनकर के नारद खुद बैठ गए, कथा श्रवण प्रारंभ होता है। जैसे ही कथा प्रारंभ हुआ नारद जी को लगा देख तो लूँ कौन कौन आया है, सबको निमंत्रण दिए दिया था आए या नहीं आए, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो सबसे अग्र पंक्ति में वही भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए हैं। उसको देख करके मन को लगा वाह वाह वाह, अब तो मेरा काम हो गया, मैंने जिस कार्य के लिए ये आयोजन किया था वही वो लोग ही जब आ गए तो और बचा ही क्या है मेरे भाई बहन, बड़ा आनंद हो गया। कहते हैं पहले दिन की कथा में ही ज्ञान वैराग्य बस देखने लगे, दूसरे दिन की कथा में तो बस हंस रहे थे वो, तीसरे दिन की कथा में बैठ गए, चौथे दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ होनी है ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। उस माँ पर कितनी प्रसन्नता हुई होगी, जैसे ही ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, बाबा कहते हैं वर्णन करते हैं यहाँ पे, ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लग गए हैं महाराज, ऐसे करके नृत्य करते हैं। उस दृश्य को देख करके अपनी माँ से रहा नहीं गया और माँ भी भक्ति भी खड़ी हो गई और दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ करके माँ नृत्य करती है महाराज वहाँ पे, बड़ा सुंदर। चौथा दिन ही ज्ञान वैराग्य को इतनी शक्ति मिल गई और खड़े होकर के नृत्य करने लगे, भगवान स्वयं ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हैं, भक्ति महारानी नृत्य करती है उनके साथ में। यहाँ पे भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है यहाँ पे, रे भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजते, श्री कृष्ण गतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशस्तदश्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थाणि भवन्ति तत्र यत्र च्युत द्वार कथा प्रसंग। सारे तीर्थ इकट्ठा हो गए महाराज जहाँ पे भगवान की कथा प्रारंभ होती है, बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव से आप सब लोग सुन रहे हैं। समय के अभाव में अब ऐसा ही ज़्यादा ले जा नहीं पाया हूँ, और आगे जाके सबसे ज़्यादा महत्व इसका यही है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है, वहाँ से पे आत्मदेव गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा है। मैं कल हो परसों हो जैसे समय मिलेगा
गोकर्ण ने अपने पिता को जिसको उपदेश दिया है उसको हम लोग गोकर्ण गीता कहते हैं। वो विषय मैं जरूर रखूंगा, दोबारा रखूंगा, अभी समय कम होने से आज मेरा मन है कि मैं थोड़ा जल्दी आप सबको छोड़ देना चाहता हूँ, कई व्यवस्था वगैरह करनी होगी आप सबको भी, और कल से ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये गोकर्ण जो गीता है, गोकर्ण जी ने अपने पिता को माध्यम करके विश्व को जो सूत्र दिया है, देखिए 3-4 सूत्र है, एक कपिल का सूत्र है अपनी माँ को, विश्व पितामह की स्तुति है, और विश्व पितामह ने विश्व को जो संदेश दिया है वो, और गोकर्ण जी ने अपने पिता को माध्यम करके जो विश्व को एक ज्ञान दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये विषय तो जरूर सुनना ही चाहिए। तो मैं जब भी समय रहेगा, कल परसों तरसों जब भी समय होगा, मैं आप सबको रखूँगा। और आत्मदेव गोकर्ण और धुंधुकारी की जो कथा है, ये वैराग्य की कथा होने के कारण वो हम लोग रख लेंगे। प्रेत योनि को प्राप्त होता है धुंधुकारी, और उसका जो उसकी जो सदगति है वो है श्रीमद् भागवत से। ये बड़ा सुंदर प्रकरण है, समय में आप सबको बहुत बार मैंने सुनाया भी है, तो जब भी समय रहेगा तो मैं जरूर से जरूर सुनाऊंगा। इसका संक्षिप्त इतना ही है कि आत्मदेव के पास सब कुछ था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, बेटा नहीं था। बेटे के अभाव में कई बार सोचने लगे, तो एक दिन सोचा नदी में ही डूब जाऊं तो बढ़िया है। तो संत के भेष में भगवान पधारे, उन्होंने कहा भगवत स्मरण करो, नाम जप करो, वो माने नहीं। तब उन्होंने एक फल दिया था पत्नी को देना, पत्नी का नाम धुंधुली था। बोला पत्नी को देना, बोलना नहीं, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बोला महाराज किस लिए? बोला सतपुत्र नहीं है, पुत्र मिल भी जाएगा तो क्या हुआ, लेकिन वो तो कपुत्र है, सुपुत्र नहीं है, कुपुत्र है। बोला चलेगा महाराज, लेकिन सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, पुत्र तो पुत्र है, दे तो दो। और पत्नी को जाकर के कहा हमारे यहाँ भी भगवत कृपा होगी, चल देवी इस फल को खा ले। भगवान ने कहा था किसी को मत बोलना, वो तो खुश होकर के निकल गए, अपनी सहेली को बोली, सहेली के बोलने से एक गौ को खिला दिया। और उसी से गोकर्ण जी आते हैं, 9 महीने बाद में जो बच्चा होता है वो गोकर्ण, यानी गौ के जैसे कान थे और सब ठीक था, कान गौ के जैसे थे इसलिए गोकर्ण। उधर में जो बच्चा हुआ है वो धुंधुली का बच्चा था, नहीं था, उसकी सहेली का बच्चा था, इसीलिए उसका नाम धुंधुकारी रख दिया गया। धुंधुकारी इतना खल हो गया, अपने पिता को ही दंड देने लगा। उस समय गोकर्ण जी ने जो उपदेश दिया है उसी को हम लोग गोकर्ण गीता कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा तथा रसम हो नितराम पिवत्वम। क्या सुंदर सूत्र दिया है महाराज, पिताजी धर्म का मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के अवगुण को मत देखो, अपना ही अवगुण देख लो। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया था कि लोग उंगली करते हैं, उंगली करने से पहले देखना 4-3 उंगलियां अपनी ओर भी तो है, ऐसा जब करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी ओर, ये उंगलियां कहते रह रहे उसका एक मत देख, अपना 3 देख ले, अपना 3 निकाल करके फेंक दे, उसका एक अपने आप नष्ट हो जाएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। देखे इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। पिताश्री अब हम लोग बड़े हो गए हैं, एक बेटा आपको पीटता जा रहा है, पैसा चाहिए पैसा, पीटता ही जा रहा है, दूसरा उपदेश दे रहा है, छोड़ दीजिए उसने क्या किया, लेकिन अब आपकी भलाई इसी में है, सब कुछ छोड़ करके धर्म मार्ग पे लगो। एक पुत्र ने अपने पिता को क्या सुंदर उपदेश दिया है महाराज, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये प्रकरण। पिताजी शरीर मांस अस्थि रुधिर आदि से बना हुआ है, उसमें जो आत्मबुद्धि है उसका त्याग कर दीजिए। देहात्म बुद्धि होता है तो मैं शरीर हूँ ऐसा मानने लगता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर के अंदर में बसने वाले हैं, केवल हम शरीर तो केवल हमें मिला हुआ है रहने के लिए। मित्रों एक सूत्र दूँ, यहाँ धुबरी में आपके ये गौरीपुर में तो इतना पता नहीं चलता होगा कि भाई प्राय सभी के अपने घर होंगे,
भाड़े का घर छूटता है तो उतना तकलीफ नहीं होता। ये दिल्ली बंबई वगैरह में रहने वाले मैक्सिमम जो भी रहता है तो भाड़े में रहता है, तो भाड़े के घर को छोड़ते समय उतना तकलीफ नहीं होता। अपना घर छूटता है बहुत तकलीफ होता है। अपने घर को छोड़ते हो तो बहुत तकलीफ होगा। बाप ने पूरी 60 साल की जिंदगी लगा के घर बनाई है, वहाँ बेटा अगर एक कील भी ले जा करके ठोकने लगे तो वो भागता हुआ आएगा, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, तो ये दीवार में एक कील नहीं मारता है, मेरे छाती पे मारता जा रहा है। तो मुझे 60 साल लग गए इस घर को खड़ा करने में। अपना छूटता है तो बहुत तकलीफ होता है, भाड़े का छूटता है तो तकलीफ नहीं होता। यहाँ पे कितना सुंदर वर्णन किया है, इसको अपना मत समझो पिताश्री, अपना नहीं है ये शरीर, में आप बसने वाले हो, शरीर तुम्हारा नहीं है। और रही बात दूसरी, जब शरीर ही नहीं है तो जो कुछ कमाया हुआ है वो भी नहीं जाता, ये भी हमारे साथ जाएगा नहीं। रे दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको जो बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास। बोला पिताश्री छोड़ दीजिए इसको, हमारा अगर होता तो हम उसको ले जाते थे। आपको बोलूं बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो कुछ भी उसको उसके शरीर में पहला कपड़ा पहनाया जाता है उसमें जेब नहीं होता, और उसके बाद में अंतिम समय श्मशान घाट की ओर ले जाते समय जो पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होता। बीच वाले जितने भी कपड़े वो जेब ही जेब है, वही अशांति के प्रतीक है। उन्होंने इतना सुंदर सूत्र दिया, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, और सेवा कथा रसम हो नितराम पिवत्वम, कथा रूपी अमृत का पान करिए और इस बोध को जान लीजिए पिताश्री, कौन किसका है, हम तो अकेले हैं। लौकिक धर्म छोड़ो, जब लौकिक की बात करी तो उनके आंख से आंसू आ गए। अपने पिता ने अपने पुत्र को पूछ लिया, बेटा बोल ये लौकिक क्या होता है, पारलौकिक क्या होता है। तब उन्होंने जो सुंदर सूत्र दिया, पिताश्री जब तक बच्चे बड़े नहीं हुए पिता का कर्तव्य है, बिटिया की शादी नहीं हुई एक मन होता है कि बेटी अच्छे घर में चला जाए, बेटे की शादी हो गई घर में बहू आ गई सब कुछ हो गया, आपसे ज्यादा कार्य वो करने जा रहा है, वो लौकिक। जब लौकिक पूरा हो गया तो उसके बाद तो पारलौकिक, उस समय उसके बाद थोड़ा 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 करके परिवार से अलग होते 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 आगे बढ़ना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिवत्वम। पिताजी सुनिएगा, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, ये तृष्णा जो होती है वो समाप्त होने वाली नहीं है। हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। बहुत सुंदर उपदेश दिया और उन्होंने बस अपने पिता को उस मार्ग पे लगा दिया। बाद में पंचविष्या के चक्कर में पड़ गया है ये धुंधुकारी, उन्होंने ही अपनी माँ को उसने समाप्त किया, उन गणिकाओं ने उसको भी समाप्त किया। आप विचार करिए वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी ने गया जी में जाके पिंड दान कर दिया मेरे भाई के लिए, आकर के बैठे थे तो सुअर बिल्ली कुत्ता बनता हुआ दिखाई पड़ा, कौन है भाई तू, बोला तुम्हारा भाई, बोला तुम्हारे लिए गया जी में पिंड दान कर दिया। वो हंसता हुआ कहता है महाराज 100 बार गया जी में पिंड दान कर दो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बोला फिर, बोला मेरी गति तो गया जी से नहीं होने वाली है। तब गोकर्ण जी बोले रुको, दूसरे दिन सूर्य नारायण का उदय होता है, उगते हुए नारायण को रोक दिया, महाराज मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, क्या करना चाहिए। सूर्य नारायण बोले आप तो सक्षम हो, श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत सप्ताह। सूर्य नारायण जब कह रहे थे तो नारायण को कहा आप जाइए, उन्होंने वही प्रेत को एक जगह बुला करके बांस पे रख दिया। साधारण जो पारिवारिक कथा होती है उसमें एक बांस रखने की परंपरा इसीलिए है, अब मैं इस सब को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। वो बांस रखा वहाँ पे, उस समय जरूरत थी वहाँ पे आ गया, पहले दिन में एक गांठ टूटा ऐसा है, मैं कहता हूँ एक अवगुण को समाप्त करो, इस आयोजन को सुनकर के किसी न किसी तरह 7 दिन में 7 अवगुण को छोड़ दीजिएगा। माताएं बड़ी भावुक होती हैं, कई बार ऐसे ऐसे व्रत सोच लेती है, ऐसा मत करना, लेकिन जो अवगुण है उसको करो।
ऐसी चीज कभी मत करिएगा घर में अशांति हो जिससे। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ। भारत का साधु जोड़ता है, मेरी ब्याज गद्दी जोड़ने की है। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में भटके हुए हैं, छोटी छोटी चीजों में अलग हो चुके हैं। आप एक बनिए, हमारी कथा तो सेतु का काम करती है। हम लोग जोड़ना चाहेंगे, किसी को तोड़ने की बात हम लोग नहीं करते। लेकिन आप याद रख लीजिएगा कि बस अवगुण को छोड़ो, ऐसा ऐसा व्रत मन में संकल्प मत लो जिससे घर में अशांति हो, वो काम भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बस घर में सुखी रहो, सब आनंदित रहो, आपस में बैठ कर के बातचीत करिए, भगवत चिंतन करिए। भगवान ने जो शरीर दिया है उसका आनंद लो महाराज। मुस्कुराने का सौभाग्य केवल मनुष्य को है मित्रों। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मुस्कुरा सकता है, वो हंस सकता है, वो दुख सुख की बात कर सकता है। अनमोल जीवन मिला हुआ है ये मुस्कुराने के लिए, मुरझाने के लिए नहीं, उदास बैठने के लिए नहीं। ईश्वर ने दिया है, शुक्रगुजार करिए उसका। मालिक तुमने हमको हंसने की क्षमता प्रदान करी है, उसका जैसा स्वरूप प्रदान किया है, इसलिए मनुष्य शरीर तो मुस्कुराने के लिए है मेरे भाई बहन। आप आओ, हंसो, आनंदित लो, ये मौका मिला है 7 दिन का, इसको जाने मत दो। ये मेरी तरफ से निवेदन है आप सब से। उनकी मुक्ति यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन सातवां गांठ टूटता है और वहां से बस दिव्य ज्योति निकलती है। इस तरह से ये परंपरा हो गई है। ज्ञान वैराग्य भक्ति आत्मदेव गोकर्ण धुंधुकारी श्रीमद् भागवत की महिमा। और उसके बाद में अब मैं कथा को विश्राम की ओर ले जा रहा हूँ, अभी के उसमें विश्राम कर दूंगा। बाद में जाके सप्ताह विधान है, आप सब याद रखिएगा। सप्ताह विधान में सबसे पहले कैसे सुननी चाहिए कथा? कई लोग कहते हैं एक आसन पे बैठ के, भाई लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। अब अभी तो सब आसन में नहीं, तो आप कुर्सी में बैठ कर के सुन सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान वगैरह में तो मैं देखता हूँ कई जगह सुबह सुबह 6 बजे ही आसन लग जाते हैं 500-700, तो क्यों बाद में भीड़ हो जाएगी, बैठने मिलेगा नहीं। इससे अच्छा पहले ही आसन लगा करके छोड़ दें तो ताकि आगे जा करके दर्शन भी हो, कथा श्रवण करें। एक आसन में सुनने का भी है। एक रुमाल को रख करके भी आप जमीन में बैठते हैं तो उसको सिद्धि के हिसाब से भी, एक साधारण जो रुमाल है उसको भी बिछा करके बैठ करके श्रवण कर सकते हो। एक आसन की बात आती है। विशेष करके लोग कहते हैं कि कथा श्रवण करें तो भोजन की बात आती है, और इस विषय में मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। शास्त्रोक्त मैं इतना बोल देता हूँ कि व्रत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस विषय में ये तर्क का विषय नहीं होता है महाराज। अब शरीर आपका कैसा है वो देखना है। मैं कहता हूँ भोजन एक बार करने से होता है तो एक बार करो, और 2 बार करने से होता है 2 बार करो, 3 बार करने से हो तो 3 बार करो। भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकम् नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि कहते हैं कि कथा को विघ्न करोगे तो दोष लगेगा, और मैं तो कहता हूँ भोजन तो कर लो, कोई बात नहीं है। अब हल्का भोजन करो, लहसुन प्याज वगैरह करके गरिष्ठ भोजन मत करो, क्या जरूरत है। हल्का भोजन करो, दाल हल्का खा लो ना भाई। और व्रत में इस तरह मत पड़िएगा, बादाम का सीरा है तो फलाना है, आलू की चिप्स है तो फाफड़ की पकौड़ी है। इतना गरिष्ठ लेने से अच्छा दाल रोटी खा लो, सब बढ़िया है, सुखी पाओगे, बढ़िया आनंद है, जल्दी घर में भी परेशानी नहीं है, खा लो थोड़ा ऐसा। तो मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। भोजनंतु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि कथा अगर विघ्न करोगे तो क्या फायदा हुआ। व्रत करने के समय तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि घर में माँ ने व्रत किया है कि नहीं। आजकल तो ढूंढारा पिटवा देते हैं, परसों व्रत है 10 दिन बाद, आज ही से आचार्य जी को पूछ लेंगे कद है वो। बोला क्यों? बोला तैयारी करनी पड़ेगी। बोला इसमें क्या व्रत में क्या तैयारी है बताओ, व्रत तो व्रत है। बोला नहीं ये भी चाहिए तो फाफड़, ये तो ये है वो। महाराज नहीं, ये सब इससे अच्छा आप प्रसाद के भोजन ही कर लो ना भाई, झंझट छोड़ दो इसको। कर सकते हैं तो बस ठीक है, एक ग्लास पानी है, दूध है, पी लो बस, उसके बाद में बैठ जाइए आराम से। मेरा कहने का भाव ये है कि हर तरह की बीमारी वगैरह है, आप कथा छोड़िएगा मत, कथा में आइएगा, प्रसाद पा लीजिएगा, दोष नहीं लगेगा। इतने सुंदर जगह में आ रहे हो, हंसते खेलते उत्सव करते हुए प्रसाद ले करके ही, भोजन करके ही आप कथा सुन सकते हो, इसमें तकलीफ नहीं है। ये विनती है आप सभी से, आज पहला दिन था, बहुत के साथ आप सब ने श्रवण किया है। कल मेरी ब्याज गद्दी 2 बजे, अब पूछे भी नहीं बोल देता हूँ, 2 बजे का है।
आप कोशिश करिए 2 बजे सबको आना है। धुबड़ी वालों को विशेष कहूँ कि आप सब 2 बजे आइएगा, मैं कथा में बैठा हुआ मिलूँगा। और मेरे भाई लोग ये बहुत सुंदर गाते हैं, आप सबको पता है, पहले से ही जानते हो, सभी लोग पूछते हैं हमारे राजसेवक भाई के लिए कि वो आ रहे हैं कि नहीं, इनके भजन गाने के लिए, भजन सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आओ और भजन सुनो, उसके बाद में कथा प्रारंभ होगी। प्रेम से कथा सुनिए, जो जितने भी उत्सव है उसका आनंद लीजिए। आप समझ लीजिए आपके घर का जो आयोजन है ये है आपका आयोजन है, गौ माता के चरण में यानी गौशाला में, गौशाला के प्रांगण में एक जगह बैठ करके इतना सुंदर आयोजन, प्रसाद की व्यवस्था यही। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक बार आते समय भी भगवत चिंतन करते हुए और जाते समय भी भगवत चिंतन करते हुए मेरे साथ साथ में गा लीजिए, भाव से गा लीजिए, प्रेम से गा लीजिए, नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा को विश्राम दूंगा, आरती होगी। आरती बहुत प्रेम के साथ करिएगा, ये आयोजन गौशाला के निमित्त गौशाला के प्रांगण में है, इसलिए सभी को सम्मिलित होना है इसमें, ये जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन। अरे रे अरे रे, ठीक 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 ठीक, ये जसवंतगढ़ राजस्थान से हमारे जो ये बच्चे आए, बहुत सुंदर झांकी के दर्शन कराते हैं। आजकल तो समझ लो आज और कल तो इतना कुछ साधारण ही दिखेंगे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य है अद्भुत दृश्य आप लोग दर्शन करोगे। ज्ञान वैराग्य भक्ति महाराज का बोल रहा था, मैं भूल गया था, अभिषेक ने कहा था, बोला गुरुजी हम लोग वो झांकी बनवाएंगे, तो उनके दर्शन भी आप लोग कर लोगे, आरती भी होगी, और पहले नाम संकीर्तन करिए, यही नाम संकीर्तन में वो दर्शन करा देना बेटा, जो भी झांकी के दर्शन है वो भी करा लो। और कल ध्यान दीजिएगा 2 बजे का टाइम है, तो 2 बजे से पहले पहले आप सबको यहाँ पे उपस्थित रहना है। हाँ, अगर कोई सूचना है गौशाला के संबंधी, कोई भी सूचना अगर हो तो आयोजक आकर के सूचना दे दीजिएगा। और कल का क्या, और भी कोई आयोजन, कोई भी कार्यक्रम अगर इस तरह का हो तो आप लोग आके जरूर से सूचना दे दिया करिएगा, या मुझे लिख के दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप सबको। प्रेम से, भाव से। तेरी बाकी छटा ने ओ सांवरे, हम तेरा दीवाना बना दिया, हम तेरा अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, हम तेरा दीवाना बना दिया, हम तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी की अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा तूने हमें पिया सिख बना दिया, तूने हमें पिया सिख, तूने हमें पिया सिख बना दिया, तूने हमें पिया सिख बना दिया।
तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है सब पे सवार है तेरा जादू सब पे, मुझे चैन है ना करार है, मुझे चैन तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना, तेरी बाकी अदाने तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी तूने हमें भी आसिक बना दिया, तूने हमें भी आसिक बना दिया। I'm
जादू सब पे सवार है, तेरा जादू सब पे मुझे चैन है ना करार है, मुझे चैन है ना करार है, तूने हमें कायल बना दिया, तूने हमें कायल बना दिया, तेरी बाकी अदा तेरे सामने, तेरी बाकी अदा तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तूने हमें व्यासिक बना दिया, तूने हमें व्यासिक बना दिया, तूने हमें व्यासिक बना दिया, तूने हमें कथाक्रम को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल ठीक 2 बजे आप और हम लोग उपस्थित रहेंगे। 2 बजे से पहले जो भी कार्यक्रम है आप सूचना दे दीजिएगा। अभी आरती होगी, आरती के बाद में फिर प्रसाद लेते हुए आप लोग प्रस्थान करें। आइए प्रेम से, भाव से और भक्ति के साथ बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हो पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए प्रेम से आरती, यजमान पहले आरती करें और जो भी व्यवस्था आपने कर रखी है वैसे ही यहीं से करवा दीजिए। हाँ यहीं से ठीक रहेगा, नीचे से ही आरती पहले जजमान करें। हाँ आरती आ जाओ बोला जी, आ जाओ आ जाओ। बहुत ही प्रेम के साथ आरती करिएगा। श्री भागवत भगवान